हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं कोनी पाठक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल मैं देहरादून से आई और फिर कल मैं यहाँ रुक गई, मेरे कोई रिलेटिव हैं उनके वहाँ। और यहाँ सुबह उठते उठते जो व्यू दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो आप भी कायल हो जाएंगे उसके। लेट मी शो यू। हाँ, दरवाज़ा खुलते ही आपको ये व्यू दिखाई देता है। काश मेरे पास और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फ़ोन होता तो मैं आपको वो दिखा पाती जो आँखों से देख रही हूँ। ये हिमालय है, पूरी रेंज हिमालय की यहाँ से दिख रही है। थोड़ा शोर अभी लग रहा हो, काफ़ी सारे लोग हैं तो इस वजह से। और यहाँ से कोहरा उठ रहा है, ऊपर आ रहा है, लाइक आँखों को इतना प्यारा लग रहा है ये। मतलब घर किसी का ऐसी जगह में हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या किसी को चाहिए, राइट। इतने बढ़िया वेदर में अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनता है, आलू पराठा विद दही मक्खन। आप चाय पियो फिर बताओ। ये जो है ना माणा की चाय भैया को पिला रहे हैं, और चाय देखते भैया बोल रहे हैं इतनी काली चाय। अब रियल वाला करो, अब रियल वाला करो, रियल रिएक्शन क्या है इसको पी के। दिस इज रियल वन। मजा आ गया, पास हो गई ना। बोलना ना भाई, अपना फोन दे दो। हाँ, यार, स्लॉट। हाँ, हुआ क्या, हुआ क्या। अच्छा दोबारा रिटेक हो रहा है क्योंकि आप बहुत एक बढ़िया सीन हुआ था जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। चलो गोपाल भैया अपना फोन दे दो। क्या करेगा इससे, यार एक सिम डालनी है इसमें। ले भाई तीसरा तू बना दे इसमें, कंपनी ने दो ही दे रखे हैं, तीसरा तू बना दे। ना बना ले, ले ले ले। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे बहुत मज़े आ रहे हैं, तो धीरे धीरे मैं सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपको। सो कुछ सिम का इशू हो रहा था कि उनके फ़ोन में एक सिम काम नहीं कर रही थी, तो वो गोपाल भैया के पास आए कि भैया आप अपने फ़ोन में मेरा सिम ऐड कर दो, डाल दो। तो ही वॉज लाइक मे कंपनी ने मेरे फ़ोन में दो स्लॉट बनाए, तो एक और बना दे। तो वो चाकू और फ़ोन लेके आए थे, ये हुआ था। ओके, सो फाइनली मिट्टू से मिलने जा रही हूँ, आई मीन घर जा रही हूँ। वेरी मच एक्साइटेड, ठंड बहुत है यहाँ और फिलहाल इतना ही। चलिए तो मकर संक्रांति है, तो उस पर हमारे यहाँ एक बड़ा ही अच्छा त्यौहार होता है, उत्तरायण जो होता है उसमें हमारे यहाँ होता है घुघुतिया त्यौहार। जब तक मैं घर पहुँचती हूँ आप देखिए घर वाले तैयारी कैसे कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम तो सब अच्छे हैं। और आज हमारी हो रही है घुघुती बनाने की तैयारी, घुघुत बनाने की, और आप लोगों को घुघुत त्यौहार की बहुत बहुत बधाई है। और हम तो बनाने लगे हैं, आप लोगों ने बनाए कि नहीं बनाए घुघुत हमें ज़रूर बताना। तो भाभी की आवाज़ एकदम क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दूँ इन्हें कैसे बनाते हैं। तो आटे को, नॉर्मल गेहूं के आटे को, सबसे पहले घी या तेल में अच्छे से मसल लेते हैं, और उसके बाद गुड़ के पानी से, मतलब पानी में गुड़ पकाया होता है उसके साथ इसको गूंथ लेते हैं और आटा तैयार हो जाता है। उसके बाद बनाते हैं घुघुते। कैसे देखिए, अब देखो मेरा काम हुआ पूरा, माता जी का डिपार्टमेंट हुआ शुरू। ये देखो मम्मी बना रहे हैं घुघुते। मेरे से बताया जैसी मैं हूँ ना आड़ी तिरछी वैसी बन जाते हैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ में हाथ नहीं लगाती हूँ। इसलिए मम्मी बना रहे हैं। देखो मम्मी की तरकीब देखो बनाने की। खूब मसला है आटा, फिर ऐसे लंबा लंबा बनाए ये डंडा जैसा, फिर इसको यहाँ उंगली डाल के इसमें गछाने के लिए हो जाता है, ताकत जाता है ना इसमें, ऐसे बनाते हैं। ये देखो ये आटा है, ये मम्मी है, ये चकला है, ये घुघुते हैं जो बन रहे हैं, ये परात आई है कि बनेंगे तो इसमें रखेंगे, इसमें रखते जाएंगे बस, और कुछ नहीं है। ऐसे रख के चिपकते नहीं है ना ये, दूर दूर रखे तो हल्के हल्के सूख भी जाते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सुखाए भी, सुखाए गए तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। देर ज़्यादा लगती है ना, ऐसे बनते हैं। अब इसमें बनाएंगे हम ढाल, तलवार, हुड़का और फूल। मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं जल्दी बनाने लगी ना, काफ़ी लेट होगा इसमें। तो ये बने हमारे घुघुते, ये देखो बना रहे हैं खजूर। और देखो इतनी सारी चीज़ें होती है, एक डमरू है, दाढ़ीम है, तलवार है, और ये जलेबी, ढाल,
ढाल मतलब जो तलवार के साथ होती है वही मुझे लगा खाने वाला होता है। और ये जो है ना स्पेशल जो दिख रहा है कौवे की पूरी है, इसको हम कल सुबह कौवे को देंगे। फिर क्या बोलते हैं मम्मी? कौवा काले घुगती मौवा खाले ले कौवा ढाल तुम्हें कह दीजिए सुना हार ले कौवा किसी भूल गई मैं ले कौवा बड़ बड़ और तुम्हें कह दीजिए सुनो घड़ देख लो। एक कौवे से भी इतनी चीजों की डिमांड है कि सोने की चीजें चाहिए सारी। तो ये बने घुघुटे और अब इनको हम तलेंगे। सोनी बुआ के स्वागत में तो ये आ नमस्ते। ला 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 घुघुटिया तैयार बना रहे हो तुम? हाँ हाँ। नमस्कार कहेंगे हम तुमको। मेरे को पता था मम्मी यहीं पे बैठी होगी। सच्ची में? हाँ सच्ची। सपना तो नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ। नहीं नहीं। खूबसूरत हो रही है। देखिए ये होते हैं घुघुते, इसके बारे में बताती हूँ मैं, बैग अंदर रखती हूँ फिर। मोटी भैंस, हेलो मोटी भैंस, दिख क्यों नहीं रही हो? क्यों क्या झुक जियो? नमस्कार, तू मेरा बेटा है ना? ना मेरे को बहुत मिस किया होगा घुघुते में ना। ऐसे ही नहीं तो काम कुछ हुई नहीं तो खाली मुंह चलाने वाली हुई। बनाती नहीं बता, सच बता। एक साल बनाए थे तब से गायब ही हो तुम। हाथ में ना बढ़िया पकते हैं ये। और मेरे को पता था मम्मी भारी बैठी होगी क्योंकि मैं तो खड़ी नहीं हो पाती हूँ, भाभी का और काम भी हुआ। ए, मोटी महज भाभी ये क्या यार, तुम लोग को कैसे पता मेरे को जो जो पसंद है क्यों बना रहे हो तुम लोग आज? त्योहार है तुम्हारी पसंद की कोई वो नहीं चल रही है, ठीक है त्योहार है वो बन रहा है बस। बड़े मजे में आ रहे, मेरी पसंद की चीज है पसंद। कितने महीने बाद मिल रहे हैं? वैसे मिल तो एक महीने बाद रहे, लेकिन फिर भी यार एक ही महीने डेढ़ डेढ़ जो भी है, लेकिन वो रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए थोड़ी सी, इज्जत जैसी ना। एक गिलास में पानी पिलाना है मेरे को ना, पानी पूछा था उससे अंदर बैठे तुम। तो मिट्टू के लिए कुछ कपड़े लेके आई थी, अब इसको ट्राई करवाते हैं। वैसे तो ये हमें मुंह नहीं लगा रहे, बट स्टिल वी कैन ट्राई ना कि कैसे लग रहे हैं इस पे। अब भाभी ने गाजर का हलवा दे दिया कि खाओ और मिट्टू को भी खिलाओ, और मिट्टू की तो जीभ लप 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 आई। अब मेरी मम्मा यानी कि मिट्टू की अम्मा मिट्टू को दूध पिलाते पिलाते मिट्टू के लिए बना रही घुघुते की माला। घुघुते की माला तो हमारे एक त्योहार होता है जो कि मकर संक्रांति के दिन होता है। उसमें ना आटे से ऐसे बनाते हैं और जैसे खजूर बनते हैं, या दादी बनाती आ रही है और ये निकालती जा रही है। ये हो गई मिट्टू की माला तैयार, जो कि वो पहन नहीं रहे क्योंकि उसको भारी लग रही है। काले 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 करना। लो तुम्हारी माला मिट्टू, लो अब इसको पहन के गले में, बोलती कमा देखो। गुड मॉर्निंग, देखो कौवा काका कर रहा है, और जो घुघुते कल रात बनाए थे वो कौवों को खिलाने होते हैं, और उसके लिए कहना होता है काले कौवा काले काले काले। मेरी मम्मी बोल रही है, दिखाती हूँ मैं आपको। दो कौवे हैं वहाँ, काका भी कर रहे हैं ना। हाँ करता भी काले 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 घुघुती मामा काले काले काले। वैसे देखो मैं पहले से ना हर कोई बोलता था ना ये, अब देख कोई नहीं बोल रहा, कहीं से नहीं सुनाई दे रही है। कौवे के लिए यह पूरी, यह लगड़ है ना, लगड़ पूरी की होती है घुघुतिया, और मीठी पूरी है ये, सादी पूरी है। घुघुती है जा ऐजा हमर घर, काले कवा काले घुघुती है जा ऐजा हमर घर, हमें दीजा खूब सब्सक्राइबर।
कौआ काले 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 ऐजा हम घर हमन के दीजिया खूब सब्सक्राइब खैर हमने वो रख दिया, मम्मी ने यहाँ पे रख दिया, कौवा आएगा तो खा लेगा। काले 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 कौवा आना शुभ होता है, ये कई सालों से लुप्त हो गए थे, इस साल दिख रहे हैं। थोड़ी देर बंदर नहीं आते, बंदरों का हिस्सा तो बंदरों को दे देते, लेकिन जो इनका हिस्सा है ना इन्हीं को देना चाहिए। मम्मी कह रही कि आजकल कौवे हिंदी समझ रहे हैं। पहाड़ी कौवे गए, पहाड़ी कौवे गए। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, देखो ये देखो पाला पड़ के कितना वाइट वाइट हो रहा, पत्ते देखो, ये देखो हो बिल्कुल, पत्ते देखो कैसे सफेद हो रखे, ये देखो। और जहाँ पे पानी अटका होगा ना वहाँ पे एकदम मिरर टाइप का हो रहा होगा, देखो। बाप रे इतनी ठंडी। ओके तो मेरे दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अभी जस्ट मैं उठी हूँ, रात को घुघुते बनाए, अब ये व्लॉग एडिट करूँगी, देन आप लोग देखेंगे इसको। और खुशी की बात है कि इस बार कौवे दिखे, लिटरली ऐसा होता था कि कई सालों से कौवे आते ही नहीं थे। जो त्यौहार कौवों के लिए होता है, लाइक जो घुघुते बनाते हैं ना वो कौवों के लिए बनाते थे और कौवे ही नहीं आते थे, और इस बार आ गए तो खुशी की बात है। और बाकी इस व्लॉग को ही पेंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे ज़रूरी बात है कि मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। बाय बाय।